आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताना था कि आज मेरी सिस्टर जाहिर की बात है, मेरी सिस्टर रहने आई हुई है, तो फिर मैंने कहा चलिए मैं कुछ अच्छा सा मज़े की कुछ स्पाइसी सा कोई लाइट सा कोई मीठा सा अच्छी सी डिशेस आपके साथ लेके आऊँ और आपको बताऊँ हम लोग कैसे बनाते हैं, हमारी रेसिपी आपको कैसी पसंद आती भी है कि नहीं, आप मुझे शेयर करके बताना। और आज बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है और बहुत मज़े का खाना होने वाला है। आपने एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी। और आपको मैंने सबसे पहले बताया था मेरी सिस्टर आई हुई रहने, और मज़े की बात ये है कि मेरी छोटी से छोटी जो खाला है उनके बच्चे आए हुए, उनकी बेटी आई हुई है, मामू की बेटी की बेटी आई हुई है, माशाल्लाह से कज़न वगैरह इकट्ठे हुए हैं, बहुत मज़ा आता है। और मैंने इसी दौरान में मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को फ़ोन किया, तो मैंने उनको बोला कि आप ही अपने बच्चे भेज दो, जाहिर की बात है जब सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं फिर इतनी मेहनत भी होगी, इतना मज़ा भी आएगा, तो फिर जाहिर की बात है जब सब इकट्ठे होंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। और वीडियो स्लिप नहीं करनी, आपने एक एक चीज़ का इन्जॉय करना है, मज़ा लेना है। और आपको पता है बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, और आपको एक एक चीज़ को हम लोग आराम से बताएंगे, पंजाबी स्टाइल से बताएंगे कि आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत ना हो। ये देखिए हमने 1 किलो खींचा है, ये देखिए चिकन लिया, ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा माशाल्लाह से हम लोगों ने इसको बहुत प्यारा सा हमने इसको वॉश किया, आप देख सकते हैं सिरका थोड़ा सा डाल के हम लोगों ने इसको वॉश किया। कितनी सी बॉडी तो मज़ा आता है, इतनी छोटी सी हो तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता, मुँह में जाए हो रहा था मुझे, ऐसी भी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छी सी मतलब चिकन की बोटी होनी चाहिए। देखिए हम लोग ना हरी मिर्च जो है हमारी लाल मिर्च हम लोग ज़्यादा डालते हैं क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डालना, हम लोग 1 किलो के हिसाब से डाल लें, हमें तो वैसे ही मतलब लाल मिर्च पसंद है तो हम उसी हिसाब से डालेंगे मटीरियल्स। ये देखिए थोड़ी सी हल्दी अपने हिसाब से डालें, हल्दी का तो हेड इतना इशू नहीं होता, तो हर से पानी बराबर ये डाल दी, हरी मिर्च भी डाल दी, हरी मिर्च कह रही हूँ हरी, देखिए लाल मिर्च भी डाल दी, अभी सूखा धनिया है, देखिए सूखा धनिया आप लोगों ने मतलब डेढ़ के करीब डालना है, छोटा चम्मच आप चम्मच का अंदाज़ा कर ली, ये स्मॉल चम्मच आप देख रहे हैं। हम एक एक चीज़ इसलिए बताते हैं कि हमारा हमें तो ये ना बोले कि आपने अच्छी वीडियो नहीं बताई, आपने हमें एक एक चीज़ नहीं बताई आपकी अच्छी, अगर हमारी तरह बनाएंगे तो देखना बहुत मज़े के बनेंगे चिकन आपके पकौड़े, बहुत मज़े से टेस्टी से चिकन पकौड़े बनेंगे आपके, आपको मज़ा आएगा खाने में। देखिए पीछे बच्चे भी बोल रहे हैं, जाहिर की बात आपको पता है सिस्टर्स वगैरह आए हैं, आपको पीछे सब बच्चे खेल रहे हैं, अब कितना बच्चों को छुप करवाएंगे, वो फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, आपको पता है। ये हम लोग ज़ीरा पाउडर देखिए, हम ज़ीरा पाउडर 20 ग्राम मसाला और ज़ीरा पाउडर ऐड किया, और सॉरी मैं भूल गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने अब लाल मिर्च और क्या नाम लेते हैं हल्दी, ज़ीरे में मतलब थोड़ा मिस गर्म मसाला था तो ज़्यादा हमने ज़ीरा इसमें ऐड किया हुआ था, और थोड़ी सी हमारी दादर मिर्च, आप नमक ऐड करना, हम लोगों ने नमक मैं लाई नहीं, मैं नमक लेके आती हूँ आपके सामने आती हूँ मैं। और आपको मैं बताना भूल गई थी ज़ीरा पाउडर, मैंने ज़ीरा इसमें भी था लेकिन फिर भी मैंने ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, इसके अंदर मज़े का लगता है, अच्छा लगता है, स्पाइसी लगता है और बड़ा ही मज़ा आता है। जब ये पकोड़े बनेंगे चिकन पकोड़े तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आप देख सकते हैं मटेरियल, आप इसको देखिए कितनी प्यारी सी मटेरियल हमारी तैयार हो गया। तो आप इसके अंदर हम लोग डालेंगे ये चावल का आटा, कोई सा भी ले लें आपकी मर्ज़ी है, इसमें जो है ना जूजी बनते हैं, स्पाइसी बनते हैं, बड़े कड़क से बनते हैं, बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ पे, इसलिए हम लोग चावल का आटा डालेंगे अपने हिसाब से डालें, हम लोग 1 किलो के मटेरियल के हिसाब से डाल रहे हैं कि मज़े की बने, अच्छी अच्छी बने, ठीक है। और बस के साथ साथ काम भी हो रहा है माशाल्लाह से, आज हम लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा बनाना है और अच्छा आपके सामने भी लेके आना है, और आपको भी दिखाएंगे कि हम लोग कैसी रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए, हमने डाल दी है। और आप लोग, हम लोगों ने थोड़ा सा नमक ऐड करना है इसके अंदर, नमक आप अपने हिसाब से, आपको पता है कि नमक ऐसी चीज़ है, नमक ऐसी चीज़ है कि अपने हिसाब से डालनी चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से डालूँगी, मैं आपको बताती हूँ मैंने नमक कितना डालना है, नमक जो है चेक करके भी डालेंगे, देखिए करीब से देख लें कि नमक इतना ही हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर। और जैसे कि हम लेमन जूस, इसके बाद लेमन जूस इसलिए देखिए लेमन जूस, हमने 2 लेमन लिए हैं इसके अंदर ऐड किए हमने लेमन, और अब हम लोग थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। और बेल्ट लेने आ गया बच्चा और हमारा थोड़ा सा काम रुक गया है, आयशा आप चुप कर जाओ, हमें वीडियो बनाने दो, तो बस बच्चा है आपको पता है उसको भी देखना है, सब सिस्टर वगैरह भी है, मैंने आपको पहले बताया है
कि आज की वीडियो हम सॉरी के पीछे आवाज़ें भी आएंगी आपको, जाएगी बात है कितना बच्चों को चुप करवा लेंगे, बच्चे तो फिर भी बोलते हैं। तो आपको मैंने जैसे कि बता दिया, ये देखिए नमक लून मिर्च आपको अपने हिसाब से डाल, तो ये देखिए आप देख रहे हैं इस वीडियो को। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने सारा मटेरियल इसके अंदर ऐड कर दिया है। माशाल्लाह से हमारा चिकन पकौड़े बस तैयार होने वाले हैं। और थोड़ी सी कमी रह गई है इसके अंदर, और ये है बेसन की। अब इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन भाई गली में भी इतना शोर है आज, पता नहीं क्या हो रहा है आज। कोई लगता है हमारे साथ किसी का कोई झगड़ा चल रहा है कि हमारी वीडियो भी पूरी ख़त्म नहीं होने दे रहा, पूरा ब्लॉग नहीं हमारा बनने दे रहा। बस चलिए कोई बात नहीं, ऐसा सा कभी कभी ऐसा भी होता है। बस अब इसके मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब ये देख सकते हैं मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन है, और अब माशाल्लाह से हमारा चिकन पकौड़ा तैयार हो गया है। ये देखिए हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह, तो बिल्कुल थोड़ा सा। अब जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे पानी का अपने हिसाब से डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको साइड पर रख देते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे पकौड़े तैयार होंगे। चिकन पकौड़ा जो हमारी रेसिपी है वो अच्छी सी तैयार होगी और बहुत मज़े की होगी। अब इसको हम लोग मैरिनेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा हो जाएगा, आप अगर आपके पास टाइम है, हमारे पास तो टाइम है क्योंकि हम लोग इसको जाहिर की बात है इसको मिक्स करके और हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे एक से डेढ़ घंटे के लिए, वो अच्छे से बन जाएंगे। अगर आपके पास नहीं भी टाइम तो आप उसी टाइम भी बना सकते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे से बनेंगे आपके पकौड़े। आप ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, मज़े के लगेंगे। और आपको मैं बताऊँगी इसको पकाने का भी तरीका, मैं आपको बताऊँगी कि आपने पकाने भी इसको कैसे। आप ये देख सकते हैं, हाँ आप लोग अगर ज़रदा कलर डालना चाहते हो तो आप लोग डालो, मुझे तो ज़रदा कलर वैसे ही पसंद है। आपको पता है कि चिकन पकौड़े में जब कलर ना आए तो मज़ा ही नहीं आता, तो हम लोग थोड़ा सा ज़रदा कलर डालेंगे इसमें, फ्रूट कलर मज़े का लगेगा। अब ये माशाल्लाह से हमारे मिक्स हो गए, ये बेटा पकड़ो चम्मच, माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। नहीं ये सारा मिक्सचर तैयार करके फ्रिज में रख दिया था तो हम सॉरी बोल गए। हमें अदरक लहसुन, अदरक लहसुन भी इसी में डलेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट ये है कि हमारे पास डेढ़ चम्मच के करीब, देखिए हमने ऐड किया। अब इसको मिक्स कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना हमारा चिकन पकौड़ा कितना प्यारा सा तैयार हो गया। तो बस अब इसको हम लोग आधा घंटा रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसको पकाएंगे वो अच्छे से। ये देखिए हमने आलू बॉइल करने के लिए रखे हुए हैं, ये देखिए अब अच्छे से आलू बॉइल हो जाएंगे हमारे। और ये देखिए गाजर और मटर हमने इसको भी उबाई कर लिया, इसको हम लोग छोड़ लेंगे फिर आपके साथ आते हैं। बस जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया है कि पकोड़े हम लोगों ने फ्रीज़र में रख दिए हैं, अब एक घंटा तो हो ही गया होगा हमारे पकोड़ों को। और उसके बाद हम लोग बना रहे हैं वेजिटेबल जो बर्गर होता है, बड़ा प्यारा सा अच्छा सा बर्गर तैयार करेंगे हम लोग। तो आपको बताते हैं हम लोग क्या क्या अपना इसमें डालते हैं वेजिटेबल बर्गर, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो सी सब्ज़ी डालना चाहते हैं आप डालें। हम लोगों को ज़्यादा मटर और गाजर पसंद थी और आलू। और आप देखिए हमारा मटेरियल हम लोग क्या क्या इसमें ऐड करेंगे, बर्गर अच्छे से आपके सामने लेके आएंगे। मैंने आपको बताया कि 8 आलू हैं हमारे, माशाल्लाह से अच्छे से पक उबाल लिए हम लोगों ने, थोड़ी सी पालक है। और ये मटर और गाजर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमने उबाल करके भी आपको दिखाया है कि पानी जब पक जाएगा आपने ये दोनों सब्ज़ियाँ डाली, अच्छी सी इसको उबाल लेनी है। पानी इसी में नहीं रहने देना, सबको खुशक बनाना है, अच्छा सा बर्गर तैयार करना है, उसका मतलब अच्छी सी टिक्की तैयार करनी है। और आपको बताएंगे गोभी है हम लोगों ने इसके बाद में ऐड करनी है, टिक्की के बाद बहुत मज़ा आएगा। और ये देखिए बंद है 12 हमारे पास बर्गर है, ये देखिए मेयोनीज़ है, ये देखिए चीज़ है, अच्छी सी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, बड़े मज़े की बच्चों को खिलाएं, मज़ा आएगा। और आपको पता है ये हॉट सॉस है, मतलब हम लोग कम डालेंगे, कोई कुछ बर्गर में डालेंगे कुछ में नहीं, जिसको पसंद है उसके लिए डालेंगे, जिसको नहीं है तो हम उसके लिए नहीं डालेंगे। तो बस यही हमारा चल रहा है, हम चाय भी पी रहे हैं साथ साथ। आपको पता है कि आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बनानी है, आपने वीडियो को स्लिप नहीं करना, देखते जाना हम लोग करते क्या है। और आपको राम राम से इसीलिए हम लोग समझाते हैं कि आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो, अच्छे से प्यारे से बर्गर आपके सामने लेके आएंगे। आप इसको सबको मिस करेंगे और आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे बुक करेंगे और क्या क्या इसमें अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने कितने प्यारे से हमारे आलू इसको मिक्स, तब देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना लिया इसका। और ये देखिए जो हमारी पालक थी, आप याद रखिए इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, हर चीज़ खुश्क होनी चाहिए, अच्छी सी हमारी मतलब बर्गर तैयार होगा। और ये देखिए जो हमारी गाजर और मटर थे अच्छे से गल गए, देखिए पानी किसी में भी आपको नज़र नहीं आएगा,
एकदम माशाल्लाह से अच्छा सा हमारा मटेरियल तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च और ये दूसरा चम्मच लाल मिर्च का जाएगा। अब चाहिए हम लोग थोड़ी सी हल्दी, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा मतलब सूखा धनिया, और अब इसके अंदर जाएगी हमारी थोड़ी सी दादर मिर्च, मतलब हसबे जायका अपने हिसाब से डालेंगे, हमें तो पसंद है, वैसे आप ना भी ऐड करें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं। और नमक सौंफ हम लोग आपको डाल के दिखाते हैं, नमक आप अपने हिसाब से डालें, ये देखिए नमक आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितना भी तड़का उतना डालें कोई इश्यू नहीं। और आप आपको बताते हैं ठार ज़ीरा पाउडर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, आप इसके अंदर हम लोग ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, बहुत मुश्किल होती है, आपको पता है जब मेरे मेहमान आए हो तो बड़ा मज़ा आता है, मुश्किल भी होती है लेकिन मज़ा भी आता है, वो जो मेहनत होती है ना उसमें अलग ही मज़ा है। अब ये देखिए ज़ीरा पाउडर हम इसके अंदर ऐड किया, ज़ीरा पाउडर आप देखते जाएं मटेरियल, हम आप देखिए हमारे 8 आलू थे और आपने देखे कितने साइज़ के थे, और अपने हिसाब से आप एक एक चीज़ अपने हिसाब से डालें तो आपको दिक्कत ना हो। हम लोग बार बार एक चीज़ बताते हैं आपको, हर चीज़ दिखाते हैं कि आपको किसी में भी मतलब आपका मसला ना हो। ये देखिए मैदा हम लोगों ने ये देखे एक दो और ये हम लोगों ने 3 चम्मच लिए, 3, और ये ब्रेड क्रम्ब है इसके भी हम लोगों ने 3 चम्मच लिए। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा, फिर आपको ज़्यादा मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए हमने ये सारा कुछ ऐड कर लिया, अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप ये देख सकते हैं हमने कितनी प्यारी सी हमारी टिक्की तैयार हुई है, हमारे ब्रेड जो है बर्गर जो है हमारे स्मॉल हैं, लंबे वाले नहीं हैं, गोल वाले, तो हमने उसके हिसाब से अपनी ये देखिए टिक्की बनाई है, बस माशाल्लाह से जल्दी तैयार हो जाएगी हमारी। ये देखिए ऐसे ही हम लोग सब टिक्की बनाएंगे, तो फिर इसको हम लोग अगला स्वीटनेस आपके साथ करेंगे, मतलब ये हमने टिक्की बना ली है, मतलब कितनी प्यारी सी बन गई है। देखिए आप ये आप देख सकते हैं हमारी कितनी प्यारी सी टिक्की तैयार हुई है, कहीं से भी ख़राब नहीं हुई, कहीं से टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है। तो ये देखिए हमारा स्टाइल टिक्की का, ये देखिए प्यारी सी हमारी टिक्की तैयार हो रही है, थोड़ी सी मोटी रहने दें, अच्छी अच्छी लगती है बर्गर में। तो बस अब ऐसे हम लोग सारी टिक्की बनाएंगे, फिर इसको आगे तल देंगे। 3 चम्मच हमने मैदे के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अब इसके अंदर ये देखिए हम लोग टिक्की ऐड कर रहे हैं, टिक्की को पूरा भिगोएंगे, जिसके अंदर हम लोग ये देखिए ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, खूब भर के लगानी है। आप ये देखिए कितनी अच्छी सी हम लोगों ने लगाई है ब्रेड क्रम्ब, आप ये देख सकते हैं आप, आराम से इसको इसके अंदर ऐड कर, हम लोगों ने अब थोड़ा सा बटर डाला है इसके अंदर, तवे पे बटर लगाया, माशाल्लाह से हमारा बर्गर तैयार होने वाली है कंप्लीट। आपको ये दिखा, नीचे कोई आया है लगता है, भाई है, देखिए माशाल्लाह से हमारे बटर तैयार हो रहे हैं अच्छे से, स्वीट से प्यारे से, ये देखिए बटर के साथ ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और अब इसको गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम लोगों ने ये देखिए जो टिक्की से हमारी बनी, कितनी प्यारी सी हमारी टिक्की बनी है, अब इसके अंदर हम लोग बन को भी ऐड करेंगे। आप पहले चीज़ ऐड करना चाहते हो तो आप चीज़ ऐड कर लें, हम लोग चीज़ ऐड करेंगे क्योंकि बच्चे हमारे शौक से खाते हैं, तो हम लोगों ने इसको चीज़ ऐड किया है। ये देखिए कितना प्यारा सा हमने बर्गर बनाया, तब थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है लेकिन आपको पता है चीज़ जो होती है, आपकी चीज़ जो होती है बहुत अच्छी सी बनती है माशाल्लाह से, आप बहुत अच्छे से बनाते हैं, वो खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से। मैंने आपको बताया मैं आजकल कितनी देर से किचन में हूँ, मैंने कहा चले साथ साथ ये खाते रहेंगे, आपको पता जैसे ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए बर्गर मैं आपको 3-4 बना के दिखाती हूँ, फिर दोबारा और बनाऊँगी। माशाल्लाह से फैमिली हमारी ज़्यादा है, मतलब आज लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे, तो सिस्टर के बच्चे, मैंने आपको बताया है मामू के बच्चे, ये देखिए हमारा बर्गर तैयार हो गया। ये देखिए एक बर्गर,
आपको दूसरा भी दिखा देते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। ये देखिए, ये मक्खन इसके साथ, इसको पहले हमने थोड़ा सा किया ब्रेड, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे पहले इसके ऊपर चीज़। चीज़ अपने हिसाब से डालें, मैं तो वेज चीज़ के खाऊँगी तो इसलिए मैं अपने में चीज़ नहीं डालूँगी। एक मिनट, ये चीज़ हमारी साथ लग गई, आपको बताइए। देखिए आप चीज़ इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा गोभी ऐड करें। अब ये प्यारा सा हमारा मिस्टर तैयार हो गया, प्यारे से हमारे बर्गर भी तैयार हो गए। आप ये सब खाएंगे तो बताएंगे कि उनको कैसे लगते हैं। मैं जब भी बताती हूँ मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, देसी तरीके से बताती हूँ, आपको जैसे पसंद हो वैसे बनाएं बर्गर। मैं तो अपने हिसाब से बनाती हूँ। ये देखें, एक एक चीज़ आपको बार बार बता रही हूँ कि ताकि आपको किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, अब लोग हम लोगों ने ये इस्तेमाल कर दिया, अब इसके अंदर हम लोग चीज़ लगाएंगे। चीज़ अपनी मर्ज़ी से लगाएं, जौन सी मर्ज़ी जैसी आपको पसंद है, जौन सी मर्ज़ी। मैं तो लगाती हूँ अच्छी वाली चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, आप लोगों के जैसे मर्ज़ी है, आप जौन सी मर्ज़ी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैचअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कैचअप नहीं इस्तेमाल करूँगी, मुझे नहीं इसमें, मुझे इस बर्गर में मुझे नहीं पसंद। और चिकन वाले बर्गर में मैं कैचअप इस्तेमाल करती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारे चार बर्गर कम्प्लीट तैयार हो गए। ये देखिए हमारी चीज़ टूट गई है, ये देखें ये हमारी चीज़ फूल मेट हो गई है। ये देखिए, और माशाल्लाह से अभी जूस बनेगा, सब लोग हम लोग जूस पियेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने आपको बताया ना वीडियो को स्लिप नहीं करना, आगे आगे और चीज़ें भी बनने वाली हैं, मीठे में कुछ बनने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। इसाज़त गिरती जा रही है, हमें बहुत जल्दी है, असल में लेट हो गई, बच्चों को सबको भूख लगी है, सब आ रहे हैं, मासी माँ कब बनेगा कब बनेगा। तो मैंने कहा चलिए साथ साथ खाते रहें, साथ साथ ये भी इंजॉय करें। हमें चार बर्गर बना के लेके जा रही हूँ। देखिए आप ये देख सकते बर्गर हमारे तैयार हो गए। देखें कि कितना कितनी मेहनत के बाद हमारे चार बर्गर तैयार हो गए, ये देखिए हमारे चार बर्गर। तो प्यारे से हमारे बर्गर तैयार हो, चलें। ये देखिए माशाल्लाह से हम लोगों ने ट्रे अभी ताज़ी हम लोगों ने 5-6 बर्गर रखे, और ये देखिए सब लोग खा रहे, आपको सबको मज़ा आ रहा है। yes, भांजी yes. भांजी मेरी कजन, ये देखे ओ इसको देखो, सबसे पहले अली शान को ये देखो, हर ब्लॉग में ये बेटा बच्चा मेरा मिलता है, ये सब हर ब्लॉग में मिलते हो ना तुम सबको। हाय करो सबको, आपको सबको कैसे लग रहे हैं बर्गर आज? अच्छे लग रहे हैं? मासी माँ थैंक यू, वेलकम। मैं सिक्के जाओ, आप क्या कह रहे हो? मासी माँ हमको अभी चिप्स पकौड़े बना के दे, इसलिए मैं कहती हूँ ये बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है। हाँ अभी वो भी साथ साथ बन रहे, ये गर्म था, मैंने कहा आप पहले सबसे पहले बर्गर खा ले, साथ साथ बनते जाएंगे और साथ साथ आपको खिलाते जाएंगे। ठीक है अलीशान, आप बताओ और कुछ आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए बताओ जल्दी से बता दो। चिप्स और कोआप। ओ पकौड़ो को कोआप कह रहा है, चले हम अलीशान को लेके जाते हैं पकौड़े और चिप्स अलीशान के लिए। अलीशान वेट करो उतनी देर, आप ये खाओ ठीक है। ये देखिए पहले हमने बच्चों को खिलाया, और आप ये देखिए जो भाई है, अब फिर हम लोगों ने चार बर्गर बनाए हैं, तो साथ साथ खाते जा रहे हैं, गर्म गर्म जैसे जैसे पकते जा रहे हैं साथ साथ खाते जा रहे हैं। तो भाई की इससे नहीं आया था, तो इसलिए भाई अब खा रहे हैं, आप सिस्टर्स आएंगे फिर ये सिस्टर खाएंगे साथ साथ। अब चिकन पकौड़े भी तैयार हो रही है, देखे साथ ही चिप्स भी हमने बना ली, चिप्स भी ये देखे साथ साथ बन रही है, ऐसे ही सब साथ खा रहे हैं। मैं खा ली है तो बर्गर इसलिए कि मैंने सबको दे दी थी कि आपको पता गर्म गर्म बर्गर खाने का मज़ा ही और होता है, तो सबने अब बर्गर खा लिए, सबको बड़ा मज़ा आया है, तो बस अब बर्गर खा लिया। अब कह रहे साथ साथ हमें चिकन पकौड़े चाहिए, तो मैंने कहा आपके साथ यार को पता है कि एक दो घंटा हमने चिकन पकौड़ों को रखा था, बड़े स्पेसे से बड़े अच्छे से हम लोग बनाने लगे हैं, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ लेते हैं, चलिए अब बर्गर सबने खा लिए, अब वो पकौड़े खाएंगे। जैसे जैसे बनती जा रही चीज़ें वो खाते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसको रख नहीं सकते, फिर ये जब तली हुई चीज़ें होती हैं जब ठंडी हो जाती है ना तो मज़ा नहीं आता। तो चलिए हमारे साथ ये हमने प्लेट रखी है, मतलब तिलों वाले जो पकौड़े होते हैं हम लोग उसमें थोड़े से आधे हम लोग तिलों वाले पकौड़े बनाएंगे, बड़े गम्मी से बनाएंगे इसमें रखेंगे, और जो आधे हम लोग सिंपल बनाएंगे पकौड़े तो हम लोग चिकन पकौड़ा इसमें रखेंगे। तो बस अब हम स्टार्ट करने लगे, हम ये देखें घी गर्म हो गया,
ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा ऑयल गर्म हो गया। ये हम इसके अंदर डालेंगे माशाल्लाह से। ये आप देखें कितना प्यारा हमारा, देखें मिस्टर हमारा तैयार हो गया। देखें आप सेम ऐसी रेसिपी बनाना यकीन माने बहुत अच्छी बनेगी। हमारे बर्गर बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बने थे, यम्मी से बने। और आप ये भी अगर इंशाल्लाह ताला अगर आप ट्राई करेंगे हमारी रेसिपी के हिसाब से तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग इसको अच्छा अच्छा लाइट आँच पर डालेंगे। ठीक है हमारा अच्छा बहुत अच्छा सा मसाला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जैसा टूटा नहीं बिखरा। चीज़ का वही मज़ा आता है कि जो बिखरे ना टूटे ना, अच्छी सी स्पाइसी सी बने, कड़क सी बने। तो बस हम लोग इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। और आपको पता है कि चिकन है गलने में 5 से 7 मिनट लेता है, तो हमने वैसे ही भी हम लोगों ने इसमें वो क्या नाम लेते हैं अच्छी तरह इसको वॉश किया हुआ है। चिकन 5 से 10 मिनट में हो जाएगा तैयार, तो फिर आपको दिखाते हैं कैसे ब्राउन होता है। अच्छे से ब्राउन करके आपके सामने ला, चिकन पकौड़ा तैयार हो गया है। आप देखें, आप ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा यम्मी सा पकौड़ा चिकन तैयार हो गया। अब हम लोग तिल वाला पकौड़ा बनाएंगे। पकौड़ा मुझे तो मज़ा बहुत आता है, मुझे तो बहुत शौक है कुकिंग करने का, लेकिन बात है कि आपके साथ बनाने का और ही मज़ा आता है। देखिए मैं आपको दोनों चीज़ें ही खाती हूँ, वाले बच तिल वाले पकौड़े डाल लूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाह अब इसको भी हम लोग 5 से 10 मिनट देंगे। तो देखिए आप देखते जाएँ 2 से 3 मिनट हम लोग हल्की साइड से रखेंगे। ये देखिए आप हम लोग यही करते हैं, पकौड़े भी दिखाते हैं। देखिए कितने हमारे यम्मी से तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से, भी काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है। जैसे आपको मैंने बताया कि गरम गरम खाएँ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बड़े अच्छे से बनेंगे, साथ में इनके चाय होगी, बड़ा बड़ा मज़ा आएगा। फिर आगे मीठा कुछ खाएँगे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। यम्मी यम्मी से आज मैं चीज़ें बना रही हूँ। आज माशाल्लाह से इतनी फैमिलीज आई हुई हैं, मतलब खाला कज़न्स, बहुत मज़ा आता है इन सब में। तो ये देखिए मेरे यम्मी से पकौड़े तैयार हो गए। ये देखिए हमने कितने प्यारे से तिल वाले पकौड़े निकाल लिए। अब हम लोग सादे पकौड़े बना रहे हैं और साथ में ये देखिए हमारा चाय का रिंग भी हो रहा है। ये देखिए चाय भी चढ़ाई हुई है ऊपर। बड़े मज़े का ब्लॉग है भाई आज का, एक भी स्वीप ना करें आप, एक भी चीज़ ना करें। नई नई सी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़ा मज़ा कर रहे हैं। आपको पता है जैसे बारिश का मौसम हो जाता है, कभी नहीं होता, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आपको पता है जैसे सर्दी स्टार्ट होने वाली है, ये चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, यम्मी लगती हैं। अब हमने बताया था आपको, सबने बर्गर भी खा लिया है और अब लोग हम लोग चिकन और पकौड़े लेके आएंगे। देखिए और ये देखिए क्रीम से, ये चिकन मतलब तिल वाले पकौड़े हैं, ये चिकन तिल वाले पकौड़े हैं, वो सिंपल पकौड़े हैं। और रहता है साथ में चाय, चाय ना हो तो फिर चिकन पकौड़े का मज़ा ही नहीं आता। तो जैसे ही खा लेंगे फिर हम सब लोग फिर आपके साथ। फिर आपको पता है हम सब ने चाय भी पी ली, पकौड़े भी खा लिए और बर्गर भी खा लिए, तो कुछ मीठा भी होना चाहिए था साथ। तो हमने कहा हम लोग जूस बनाते हैं आपके साथ, मिल्क शेक बनाते हैं, आइसक्रीम मिल्क शेक बहुत अच्छा सा बनाते हैं आपके साथ, हम लोग भी शेयर करते हैं हम कैसे बनाते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अगर ऐसा बनाएंगे तो बहुत मज़े का, बहुत यम्मी सा बनेगा। और आप ये देखें हमारे, हमने डेली मिल्क ली है थोड़ी सी गार्ड मिक्स के लिए, और थोड़े से बादाम लिए, ये बादाम ये दूध है सॉरी दूध ही है, हमने मिल्क ली है। देखें बिस्किट है चॉकलेट पल, और ये देखेंगे आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम है। कोई सा भी मिल्क शेक बनाएं, कुछ भी बनाएं आप, उसमें थोड़ी सी ऐड करें और थोड़ी सी आइस। अब हम मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं हम लोग अच्छा सा मिल्क शेक आपके सामने लेके जाते हैं। हम लोगों ने मिल्क लिया, आप कोई सा भी मिल्क शेक देख सकते हैं, लेकिन हमारे साथ प्यारा सा मिल्क है। आपको पता मैंने यहाँ चाय भी नहीं पी, मैंने इसलिए नहीं पी क्योंकि मुझे ये मिल्क शेक पीना था, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपको कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और आपको भी दिखाऊँ। अब ये देखिए इसमें सारे बिस्किट ऐसे करेंगे, सारे मेल्ट हो जाएंगे, बड़ा मज़े का बनेगा। आप अपने हिसाब से जितना आप लोगों ने मतलब जितनी फ्रेंड्स रखनी है आपके, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बना लें, हम लोगों के जितने हम लोगों ने 5 कप बना लें, 5 ग्लास आप देख सकते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से बना लें। आप इसको खोलते हैं
सारी मेल्ट हो गई है, वाइट पड़ी रही है आपको पता पहले हम लोग। ये देखिए कितनी मेल्ट हो गई। अब ये सारी ऐसे ही हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। हमने सब इसके अंदर ऐड कर दिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप कोई सा भी कोई सी भी मिल्क शेक बनाना चाहें आप उसमें जरूर ये आइसक्रीम ऐड करें, अच्छा सा बनेगा, आपको प्यारा सा बनेगा और आपको मज़ा आएगा और आपका जायका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसमें थोड़ी सी आई डाल दें, हमारा तो मीठा बच्चे शॉर्ट कर रहे हैं, आपको पता है सारा खाना पीना खा के वो बच्चे फ्री हो गए हैं, अब आपस में बातें कर रहे हैं, कपड़े वगैरह कर रहे हैं, तो इनका मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। अब इसको हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं। इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसा हमारा चॉकलेट शेक अच्छा सा हो गया। ये देखिए थोड़ी सी ऊपर राह आ रही है। मैंने आपको पहले बताया कि ये अब घबराना ना, आपका दिल ख़राब नहीं होगा, टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। हम इसको फिर 5 से 10 मिनट, 5 मतलब 2 से 3 मिनट हम इसको फिर ग्राइंड करेंगे, फिर आपके सामने लेके आते हैं। हमने इसको खोल लिया माशाल्लाह से, देखिए कितना प्यारा सा हमारा चॉकलेट। आप चेक करोगे, ट्राई करोगे, कुछ बोलो भी जी आपको क्या, हम लोगों ने ज़बरदस्ती खड़ा किया हुआ है। ये लो ट्राई करो तुम, ये कैसा बने? बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, आपको पसंद आया है ना? ये देखो मानो को भी दो थोड़ा सा। ये देखिए फैमिली हमारा तैयार हो गया है, बड़ा अच्छा सा हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए अच्छा, थैंक यू नुमान। बच गया तो हम लोग इसमें डाल देंगे, हम लोग कहीं बच रही है थोड़ा बस। आप चेक करें दोनों भाई और ये बाद में देखते हैं इसका क्या करना है, किसको देना है। और आपको जी बात बताऊँगी, देखिए इसमें हम खाएंगे पड़ेंगे हम लोग, बहुत मज़े का बना। और ये देखिए ये चॉकलेट डेरी मिल्क ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें आप डालना चाहे तो डालें, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे तो अच्छी लगती है। मैंने इसलिए इसकी चलिए हमारा फाइनली अब चॉकलेट मिल्क तैयार हो गया है और बड़ा यम्मी सा तैयार हुआ है, तो हम लोग पीने जा रहे हैं इसको ठंडा ठंडा। आज सुबह से थक गए, आपको पता है तली हुई चीज़ें कभी कोई सी चीज़ें, चाय भी नहीं मैंने पी, तो मैंने कहा ये ठंडा सा पीऊँ, थोड़ा सा सुकून आए, फिर आपके साथ रख। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज आप ही ने बड़ी मेहनत की है, आप इसे बोला भी नहीं जा रहा। आज मैं वाकई में बहुत थक गई हूँ, मैं यकीन करें मैंने सुबह से मतलब शाम से किचन में थी, आपको पता है 2 घंटे चिकन को भी मैरिनेट किया है, फिर उसके बाद हम लोगों ने बर्गर सबको सर्व किए हैं और माशाल्लाह से ये चीज़ें चलती रही हैं, चिकन पकौड़े, चाय, आपको पता है चॉकलेट मिल्क शेक, यही हमारा सब कुछ चलता रहा, चिप्स चलती रही है, बहुत मज़ा आया। और मैंने भाई आज से अच्छा बात दिन की गया। मैंने भाई से बात की, मैंने कहा माशाल्लाह से भाई हमारे घर में कितनी रौनक है, तो भाई आगे से कहते हैं अल्लाह ताला आपको भी दे, तो बस यही हमारा चलता रहे, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदरुस्ती वाला दे। तो बस यही हमारी आज की रूटीन आपके साथ हमने शेयर की है, बहुत मज़ा आया, बहुत थकावट तो हुई है लेकिन खुशी भी बहुत हुई है, जब सब अपने इकट्ठे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और भाई से पूछते हैं भाई आपको कैसे आज का हमारा खाना लगा, मुझे पहले तो आपका बर्गर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, उसके बाद पकोड़े, चीज़ें मतलब सब भी अच्छी थी, कमाल थी, तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ें थी, बहुत माशाल्लाह से मेहनत से बनी थी, दिल से बनी थी, आप ही ने बनाई थी, तो बनाई थी मैंने, तो क्यों ना फिर अच्छा ही तो होनी थी। रसमलाई मेरी मतलब रह गई, मैंने कहा नहीं आज नहीं, आज मैंने मिल्क शेक बना लिया, चॉकलेट मिल्क शेक सबने पी लिया और रसमलाई को आज कैंसिल करो, बहुत थक गई हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, छोटी सिस्टर मेरी पार्लर का बहुत अच्छा काम सीखी हुई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको बहुत शौक भी था, तो फिर है वो अपनी मर्ज़ी की मूड की मालिक है, कि जॉब नहीं करती लेकिन वो काम
सीखी हुई है। तो आज भाई की उसने ये देखे कितनी प्यारी सी स्टिच ये उसने मेरी की है, खुद ही की है। सासक ये भी चलता रहा है काम, आपको बताएं छोटे ये करते रहे हैं और बड़े भी लोग सासक ये खाते रहे हैं, सासक पीते रहे हैं, सासक ये स्टिचिंग करते रहे हैं, यानी कि बहुत मजा आया आज हम लोगों को। यकीन करें मैं तो गला बैठ गया, आप बताएं मैंने पकौड़े भी इतने नहीं खाए और मैंने तो बर्गर भी नहीं खाया है, ये होता रहा आते जाते रहे बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में लगे रही। और आपको मैं बताऊँ सुबह हम लोगों ने घर पर बनाए थे मसर चावल मामा ने, मैंने तो वो ही खाए हैं। यकीन करें मैंने बार ना बर्गर खाया और ना मैंने चिकन पकौड़े खाए हैं भाई, मीट पिया मैंने जो वो भी नहीं, मैंने बर्गर भी खाया पकौड़े भी खाए और सुबह मैंने वो भी मसर चावल भी खाए थे। आज भाई ने सब चीज़ें टेस्ट की है, इसलिए भाई को बोला कि भाई आप भी बताएं कि आज की मेरी वीडियो अच्छी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब इसलिए बोलते हैं कि आपको नहीं से नहीं हमारी वीडियो मिले, और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में आप लाजमी बताया करें, बहुत मेहनत करते एक कमेंट तो आपका बनता है।